मोदी जी, ये आपने बहुत ही अच्छा तरीका निकाला है, क्योंकि शहर से गांव के लिए अपना लोग लंबी यात्रा पे निकले। अब शहर से गांव जाने के लिए अपने पास ना कोई घोड़ा गाड़ी है, ना बैलगाड़ी है, ना कोई मोटरसाइकिल है। इसीलिए मोदी जी, मुझे आपका ये प्लान बहुत ही अच्छा लगा। आप दोनों लोगों ने एक डंडा अपने कंधे पे उठा रखा है, उस डंडे पे मैं लटका हुआ हूँ, मुझे चलना नहीं पड़ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। राहुल, बेफालतू की खुशी मत मनाओ, थोड़ी दूर की बात है, थोड़ी दूर बाद मैं इस डंडे पर लटक जाऊंगा जैसे तुम लटकी हुई हो, और फिर तुम कंधे पे मुझे उठा के चलना। चलो तुम उतरो अब डंडे पे से, डंडे पे मुझे लटकने दो। लेकिन मोदी जी, आप में बहुत वजन है, राहुल के अंदर इतना वजन नहीं था। राहुल लटका हुआ था डंडे पर तो उतना वजन नहीं था, आपके वजन से मेरा कंधा बिल्कुल दब गया, आप में बहुत वजन है। हम मोदी जी, आपको कितनी दूर तक और लेके चलना है? 2 किलोमीटर तो हम लोग राहुल के गांव से यहाँ तक उठा के लाए थे, अब आप लटक गए इस डंडे पर, फिर मेरा इस डंडे पे लटकने का नंबर कब आएगा? भाई मोदी जी, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, ये तरीका है बहुत अच्छा। इस तरीके में तीनों लोग एक साथ नहीं थकते हैं, कभी एक बंदा आराम कर लेता है, कभी दूसरा आदमी आराम कर लेता है। अब देखो, थोड़ी देर पहले राहुल लटका हुआ था, वो आराम से आराम कर रहा था डंडे पर लटक कर, अब आप आराम से डंडे पर लटक कर आराम कर रहे हो। चलो योगी जी, अब ऐसा करो, तुम आकर डंडे पर लटक जाओ। अरे योगी जी, आप में भी कम वजन नहीं है, आपके अंदर भी बहुत ज्यादा वजन है। वैसे योगी जी, एक बात बताओ, शहर अभी कितनी दूर रह गया है? शहर पहुंचने में काफी वक्त लगेगा मुझे लगता है। मोदी जी, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लंबी यात्रा इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से कट गई। मेरा मतलब लंबा सफर पता ही नहीं चला कब ये कट जाएगा, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से इस सफर का आनंद लेते जा रहे हैं, ये बहुत ही आनंददायक सफर है। योगी जी, बागई में मोदी जी के अंदर इतना वजन नहीं था, आपके अंदर बहुत ज्यादा वजन है। तीनों लोग आपस में मिलजुल के इस सफर को कर रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है, किसी को मजा आए ना आए। राहुल, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, इस टाइम मैं डंडे पर लटका हुआ हूँ, बहुत मजा आ रहा है। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश, रोज आकर अपने खेत पर क्यों बैठ जाती हूँ? तुम्हारे खेत में चटके ही चटके पड़े हैं, कोई कह देगा पिछले साल इसमें लहराती हुई फसल थी हरी भरी, पूरे 6 महीने होने को जा रहे हैं, अपने गांव में पानी की एक बूंद नहीं बरसी है, बहुत भयंकर सूखा पड़ा है अपने गांव में। क्या करूं मोदी जी, आकर अपने खेत पर बैठ जाता हूं, सोचता हूं कहीं से थोड़ा बादल का टुकड़ा आ जाए और अपने गांव पर बरस जाए, फिर से फसलें लहराने लगे। कितनी तेज धूप है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं है। तुम चिंता मत करो, बारिश होगी, जल्द बारिश होगी। अरे मोदी जी, कब बारिश होगी? सब लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊँ। सोच तो मैं भी रहा हूँ गांव छोड़ के चला जाऊँ, और जैसी सूखा खत्म हो जाए तभी दोबारा इस गांव में वापस आ जाएंगे, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, किस चीज से जाया जाए। वैसे एक बात बताऊं मोदी जी, राहुल ने एक ऊंट खरीदा है, और वो ऊंट पर गांव के लोगों को इस गांव से दूसरे गांव पहुंचा रहा है, जहां पर सूखा नहीं है उस गांव में पहुंचा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, वो समाज सेवा कर रहा है वो तो। चलो उसी के साथ चलेंगे, अपना उसी से बात करेंगे। अरे समाज सेवा क्या कर रहा है, बहुत तगड़ा किराया वसूल कर रहा है अपने ऊंट से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अरे वो देखो, राहुल का नाम लिया, राहुल आ भी गया, योगी जी को दूसरी जगह लेके जा रहा है वो। अरे राहुल रुकना जरा, अपने ऊंट को यहीं रोको। बोलो मोदी जी, क्या बात है? अरे मैं और अखिलेश भी इस गांव से दूसरे गांव में जाने की सोच रहे हैं, जब सूखा खत्म हो जाएगा वापस इसी गांव में आ जाएंगे। बोलो क्या भाड़ा लोगे हमसे, और हमें पहुंचा दो दूसरे गांव। अरे मोदी जी, क्या तुम इसे चाय बनाना समझ रहे हो, कि चाय पत्ती दूध डाला और चाय तैयार? मतलब आपने कह दिया कि लेके चलो तो मैं लेके चल दूंगा। अरे आपसे पहले अभी 700 लोगों को जाना है, गांव के 700 लोगों की एडवांस बुकिंग है मेरे पास, और एक आदमी से मैं 500 रुपए किराया लेता हूँ, और दिन भर में 10 आदमी पहुंचा पाता हूँ एक गांव से दूसरे गांव अपने ऊंट से। अरे तो ऐसे तो हमारा नंबर 2 महीने बाद आएगा। अरे मोदी जी, इस राहुल के चक्कर में मत पड़ना, पूरे 2 महीने पहले मैंने इससे जाने को बोला था, आज ये मुझे ले जा रहा है दूसरे गांव, इससे तो आप पैदल ही चले जाओ तो बढ़िया है। इस राहुल ने इस सूखे में अपने ऊंट के किराए से कम लाखों रुपए कमा लिए। भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जलेबी ले लो भाई, जलेबी ताजी ताजी घर से बना के लाया हूँ अभी, सहज से भी ज्यादा मीठी और पापड़ से भी ज्यादा कुरकुरी। अरे योगी जी, अखिलेश, सोनिया जी, तुम मंडली बनाकर यहाँ पर बैठे रहती हो, कम से कम जलेबी खा लिया करो मेरी, कोई जलेबी खाने वाला नहीं है, बीच बीच में एक आध उठा के मैं ही खा लेता हूँ, कोई लेने आ ही नहीं रहा। अरे अखिलेश, तुम्हारी तो बहुत अच्छी फसल पैदा हुई है इस बार खेतों में, अरे तुम ही ले लो 5 रुपए की जलेबी। अरे मोदी जी, अगर फ्री में खिलाओ तो खा ले हम तुम्हारी जलेबी, पैसे तो दे के तुम्हारी
जलेबी नहीं खाएंगे हम। पैसे देकर अगर खाना होगा तो तुम्हारी जलेबी थोड़ी खाएंगे। अमित साजी रसगुल्ला बेच रहे हैं, वो रसगुल्ले खाएंगे जाके। वैसे भी तुम्हारी जलेबी बिकती नहीं है, कई कई दिन की तुम जलेबी रखे हुई बेचती हो, बासी जलेबी बेचती हो। अखिलेश अगर जलेबी लेना नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मेरी जलेबी की बदनामी मत करो, रोज ताजी बना के लाता हूँ समझे। यहाँ पर अगर जो बस्ती भी है तो घर जाके मैं खाना नहीं बनाता, यही जलेबी खा जाता हूँ सब। अरे राहुल तुम बार बार क्या मेरी जलेबी को सूंघ रहे हो आके, ये बताओ लेना है कि नहीं लेना है? यहाँ पर खड़े खड़े जलेबी को सूंघ रहे हो, हटो पास से। अरे कुछ नहीं मोदी जी, ये देख रहा हूँ ताजी तो है जलेबी, जो अभी अखिलेश भाई बता रहे थे कि तुम बासी जलेबी बेचते हो, बासी तो नहीं है, है तो ताजी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। मम्मी मम्मी अरे 5 रुपए की जलेबी दिलवा दो मोदी जी से। राहुल बेटा तेरी जबान भी बहुत चटकारे मारने लगी है, कोई चीज देखी नहीं कि तेरी लाल टपक जाती है। अरे कल तो तूने जलेबी खाई थी मोदी जी की, फिर से मांग रहा है, अब तू कहां से दिलवाऊं तुझे रोज रोज? मोदी जी दे दो 5 रुपए की, इन्हें फसल आने वाली है, खाते में लिख लेना, फसल आएगी तुरंत दे दूंगी। पूरा दिन में 5 रुपए की जलेबी बिक रही है, वो भी उधार बिक रही है, क्या करा जाए? लाओ राहुल कोई थैली उली लाओ, 5 रुपए की जलेबी तुम्हें उसी थैली में दे दूं। योगी जी आज तुम चुप कैसे बैठे हो, तुम ले लो कुछ जलेबी। अरे मोदी जी तुम्हारी जलेबी की खुशबू सूंघ सूंघ के ही पेट भर जाता है, बेफालतू में हम पैसा खर्च करें अपना, और अगर पूरा दिन मीठा सामने रखा रहे तो वैसे खाने का मन नहीं होता है, और वैसे भी हम पूरा दिन तुम्हारे सामने ही बैठे रहते हैं। भाई लोगों कैसी लगी मोदी जी की जलेबी? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, योगी जी, राहुल कैसे मिलने चले आए मुझसे? तुम तो राजनाथ सिंह जी के भट्टे पर काम कर रहे थे, आज कैसे याद आ गई मेरी? क्या बताऊं, ये अमित शाह जी के भट्टे पर काम इतना होता है कि फुर्सती नहीं मिलती, इसीलिए मैं तो तुमसे कभी मिलने पहुंच नहीं पाया। चलो तुम ही आ गए, बहुत बढ़िया है। कैसा काम चल रहा है राजनाथ सिंह जी के भट्टे पर? अब हम अखिलेश तुम्हें किस मुंह से बताएं कि राजनाथ सिंह जी के भट्टे से काम छोड़ के भाग आए हम, वहां पे मजदूरी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए तुमसे पूछने के लिए आए यहां पर। यहां पर अमित शाह जी के भट्टे पर काम मिल सकता है? अरे तुम कुछ जुगाड़ लगाओ, तुम्हारी अच्छी पकड़ है उनसे, काम देखने के लिए आए, इस भट्टे पे मिल जाएगा क्या, ये बताओ? तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और तुम्हारी आमदनी भी अच्छी होती होगी। यार अमित शाह जी से कह के हमें यहाँ पर काम पे लगवा दो। वैसे तुम और डिंपल यादव मिलके महीने का कितना कमा लेते हो यहाँ पर? अरे मोदी जी, 2 लोगों की जगह खाली है इस भट्टे पर। अमित शाह जी मुझसे कल ही कह रहे थे कि अगर 2 मजदूर मिले तो 2 मजदूरों को मुझसे मिला देना, यहाँ पर काम पे लगा लेंगे। तुम 3 में से किसको छोड़ा जाए, 2 लोगों की जरूरत है यहाँ पर। और डिंपल जी जरा थोड़ी चाय बना लेना, मोदी जी योगी जी और राहुल आए अपने भट्टे पर मिलने के लिए, चाय बना के ले आओ। अभी मिट्टी लेके सही से आके खड़ी भी नहीं हुई हूँ कि चाय का ऑर्डर कर दिया। पहली बात चाय की पत्ती और शक्कर है, चाय की पत्ती कब की खत्म हो गई? तुम्हें ध्यान भी है लाने उन्हें का, काय की चाय बनाऊं, ये बताओ, ऑर्डर तो कर दिया तुमने। अरे डिंपल जी चाय हो छोड़ो, तुम परेशान मत हो। अखिलेश तुम 2 लोगों की बात करो, मेरी और मोदी जी की, हम योगी जी को काम पे नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अरे मुझे मना करने वाले तुम कौन होते हो राहुल? इस फैसले को करने का हक सिर्फ मोदी जी को है, वो 2 मजदूर कोई से भी रख ले यहाँ पर, चाहे मैं या मोदी जी हो जाए, तुम निकल जाओ, या तुम और मोदी जी हो जाओ, मैं निकल जाऊं, लेकिन ये फैसला सिर्फ मोदी जी करेंगे। तुम बीच में क्यों बोले, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे योगी जी नाराज मत हो, नाराज मत हो, मैं तुमसे कहना नहीं चाह रहा था, मैंने अभी राहुल के कान में कह दिया था कि योगी जी से कह दो, योगी जी तुम यहाँ पर काम नहीं भी करोगे कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मीठे की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, हम और राहुल यहाँ पर काम कर ले रहे हैं, 2 लोगों की जगह खाली है। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।